सकते हैं। खाना सरकार नहीं दे रही है? दे रहा है सर, बुखार है, कैसे खाएगा सर भात रोज खिचड़ी? हाँ मिल रहे, हाँ मिल रहे, मिला हाँ। और यहाँ खाना सरकारी खाना हमरा से नहीं खाए छे, काहे मिलबे नहीं कर छे, ऐसा लूट भर जाए छे, हमरे लाज से नहीं जाए छे मन। नहीं हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिला अभी, बांटा है नहीं लोग, नहीं बांटा है, हमको मिले नहीं, हमको चुकी पर नहीं दिया है। लोगों में बेचैनी है कि मैंने हमको लग नहीं रहा है कि लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से विशेष व्यवस्था है। आपको बताते चले कि कटिहार में गंगा, कोसी और महानंदा ने तबाही मचा रखा है। जिले के लगभग 8 पंचायत बाढ़ की चपेट में है और लाखों की आबादी प्रभावित है। बाढ़ पीड़ित व स्थापित पीड़ित लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। प्लास्टिक की झुग्गी बनाकर पीड़ित अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं सरकारी इंतजाम भी नाकाफी है। ऐसे में कई जगहों पर इन पीड़ितों ने मदद की मांग की और ऐसा दिख रहा है कि गैर सरकारी लोग भी मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कटिहार जिला के कुर्सेला प्रखंड में देखने को मिला। कुर्सेला रेलवे के माल गोदाम कैंपस में सैकड़ों बाढ़ पीड़ित और विस्थापित लोग अपने परिवार के साथ प्लास्टिक का झुग्गी बनाकर किसी तरह रह रहे हैं। इन सभी विस्थापित और बाढ़ पीड़ितों के लिए माँ दुर्गा पूजा समिति ने मदद करने का बीड़ा उठाया है। हर दिन सैकड़ों सूखा राशन, चूड़ा, दालमोट, मूढ़ी का पैकेट तैयार किया जा रहा है और गाड़ी ट्रैक्टर से इन राशन को ले जाकर पीड़ितों के बीच बांटा जा रहा है। क्या बताते चले कि यह सूखा राशन भी पीड़ितों के लिए कम पड़ रहा है और कहीं न कहीं इन्हें मिल भी नहीं पा रहा। न मिल पाने की वजह तो हम सभी को पता है, भूख और पहले हमको राशन लेने की होड़। इन पीड़ितों को सरकारी मदद तो मिल रही है लेकिन वह काफी नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि हर सरकारी खाना खिचड़ी तो दे रहा है लेकिन दोनों वक्त नहीं, और हर दिन खिचड़ी खाकर भी नहीं रह सकते। वहाँ भी खाने के लिए भीड़ होती है और खाने की व्यवस्था भी सही नहीं है। ऐसे में पूजा समिति के द्वारा बांटे जा रहे सूखे राशन को लेने के लिए मारामारी हो रही है। बच्चे बिस्किट लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं तो झुग्गी में जाकर वितरण किए जा रहे राशन के लिए पीड़ित मारामारी कर रहे हैं। ऐसे में राशन के गाड़ी के पास भी इन पीड़ितों ने भीड़ को देखकर किस तरह महिला पुरुष अपने हाथ को ऊपर उठाकर राशन के पॉलिथीन की मांग कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने लाचार, भूखे और बेबस हैं। इतना ही नहीं, भीड़ में जब हाथों हाथ राशन का पॉलिथीन नहीं मिल पा रहा है तो ये सभी पीड़ित अपना गमछे को गाड़ी में फेंक दे रहे हैं और गाड़ी में राशन को गमछे में लिपट कर वापस पीड़ितों को दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी है सरकार के मुकम्मल व्यवस्था की, जो इन सभी बेघरों को कम से कम 2 वक्त अच्छे से पेट भर सके। नहीं, हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिला अभी, बांटा है नहीं लोग, मिले नहीं हमको, चुकी पर नहीं दिया है। जब देवे ने करो नहीं, हमको खाने के नहीं है, घर में सरकार की तरफ से मिल रहा, सरकार के लिए कुछ नहीं मिला हमको, हमें से कहे नहीं मिलो। यहां क्या बोल रहे, पन्नी सही, पन्नी सब खुद लेने ऐसी ऐसी रात के काट रहे हैं, पत्थर पर सूत करके, खाने को कुछ नहीं, खाने कोई कह रहे भात खिचड़ी बन रहा है, खिचड़ी मिल रहा है, हाँ अभी क्या मिल रहा है, अभी चूरा बांट रहा था, हमको सबके नहीं दिया। क्या नाम है आपका? सबके तो दे रहा है, लूट पटार कर रहा है, हम सब जुगिया में खड़ा है। हाँ? क्या नाम है आपका? हमको कोसिला नाम है, कोसिला देवी। हाँ मिल रहे, हाँ मिल रहे, मिला हाँ। और यहाँ खाना सरकारी खाना हमरा से नहीं खाए छे, काहे मिलबे नहीं कर छे, ऐसा लूट भर जाए छे, हमरे लाज से नहीं जाए छे मांगे ला, हमरा से लाज से नहीं जाए छे, मिले खाए छे सब ना, मतलब हमरा से नहीं जाए छे। क्या बनाता है खाना? दाल भात सब्जी, खिचड़ी, खिचड़ी हाँ, खिचड़ी बना छे, खिचड़ी नहीं खेलो जाए छे। एक ही टाइम हाँ, एक टाइम, एक टाइम
वो हो कि खिचड़ी खैलो नहीं जा गंदगी मन की सब लाग ले रही थी। क्या नाम है आपका? बुधनी देवी। अभी चूड़ा दाल मोट बांट रहा है? नहीं सर, लूट कर दे रहा है। हम कमजोर हैं सर, नहीं लेने पड़ते हैं। खाना सरकार नहीं दे रही है? दे रहा सर, बुखार है, कैसे खाएगा सर भात रोज खिचड़ी? एक ही टाइम सर बनाता है, एक टाइम ऐसे सत्तू खिलाया है। अभी बुखार वाला बच्चा सत्तू खाया, मुझे पाँच बच्चों का बच्चा सब मारे देखिए सब। अब मुझे 2 किलो चूड़ा नहीं मिला, 5 खिला के रखे। क्या नाम है? गुलाबी देवी। हाँ, लोगों में बेचैनी है कि मैंने हमको लग नहीं रहा है कि लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट के तरफ से विशेष व्यवस्था है, और काफ़ी लोगों में देख रहे हैं परेशानी। तो हम लोग अपने तरफ से जो है मंदिर कमेटी की तरफ से जो है यह मैंने वितरण कर रहे हैं कि सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों को ज़रूरत है और ज़रूरत की चीज़ जो है हम लोग वितरण कर रहे हैं। असली पूजा जो है यही पूजा है, और जितना भी पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी पूजा के रूप में हम लोग इस तरह का सेवा दे रहे हैं। हमारा नाम मनोज कुमार जायसवाल हुआ। सबसे बड़ी पूजा जो प्रीत आपदा से प्रीत संकट से प्रीत लोग हैं उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है, और इसको हम लोग सबसे बड़ी पूजा के रूप में मानते हुए इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी हुआ। ऐसी ही खबरों के लिए करें SE24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।